हाँ बेटा, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल फाइन बच्चों? सर, सर फाइन। सब बढ़िया? चलो, थोड़ा लेट हो गया आज, 6-7 मिनट लेट हो गया मैं। सर बच्चों बताओ, वेक्टर में कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? नहीं सर, वेक्टर में कोई भी होमवर्क नहीं था। ओके, कुछ पढ़ाया था बोले मैंने थे वेक्टर कोचर में आपने? प्रैक्टिस कराने के लिए। अच्छा, और टॉपिक क्या पढ़ा रहा था मैं, याद दिलाओ। कंपोनेंट रिजल्ट का रेंज, फिर ऑफ स्टैंडर्ड कंपोनेंट। वेक्टर। हाँ, याद आ गया मुझे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आई कैप जे कैप बता दिया था मैंने, आई यस कैप जे सर। कैप में बता दिया था, है ना? ठीक, चलो आगे बढ़े बेटा उससे। तो बेटा, जो हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी पढ़े थे, है ना बेटा, अब उसी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चा, यस क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन है बेटा, फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है बेटा, डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक है बेटा, लिख रहा है ठीक से रे, पढ़ पा रहे हो ना? बेटा लिखा हुआ पढ़ पा रहे हो? यस सर, यस यस सर, डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स, है ना बेटा? डायरेक्शन यस में क्या सर, निकालना है, देखो, डायरेक्शन में निकालना है बेटा एंगल, तुमको एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। ठीक है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस दोनों से बताना है बेटा वेक्टर का एंगल। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला है बेटा हमारा, सबसे पहला है ए वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। बी वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर इक्वल टू -3i कैप प्लस 3√3j कैप। ठीक है बेटा, सी वेक्टर हमारा है, सी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, 2i कैप -2i कैप -2√3j कैप। चलो बनाओ। हाँ एंगल बताओ गौरव, खाली ऐसे लिख दिया तू?
इन सब का वैल्यू पता है ना बेटा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई दोनों से एंगल चाहिए बच्चा। साल कंप्लीट करो बेटा, एंगल भी निकालो। काफी का आंसर बेस्ट है, सही तरीका आंसर बताने का। हाँ ठीक है अक्षिता, एंगल बता दो। सर एंगल तो टेन थीटा और फोर वाई थ्री ना होगा। हाँ बेटा तो थीटा मेरे को चाहिए 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री कितना, और एक्स और वाई दोनों से एंगल चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि तुम इस वेक्टर को अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ, अपनी कॉपी से डायग्राम में बनाओगे तो एंगल तुम दिखा पाओगे। बिना डायग्राम बनाए हुए दिक्कत होगी बताने में एंगल। 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। 45 और वाई दोनों फर्स्ट वाले में। यस सर। नहीं बेटा सर, हाँ बोलो। सेकेंड में थीटा बराबर 60 डिग्री लिखो लिखो।
बोल क्यों रहे हो, बोलना नहीं लिखना है। हाँ अच्छा पाला से ये बेटा लेकिन कंप्लीट कर। चलो देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा सबसे पहले वाले के लिए तो देखो बेटा ए वेक्टर इक्वल टू ये लिखा है 3i+4j ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ देखो बच्चा, ए वेक्टर इक्वल टू 3i+4j में अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या कहेंगे, क्या बताया था मैंने, ये हो गया ना बेटा एक्स कंपोनेंट। जो आई कैप के साथ है बेटा वो हो गया एक्स कंपोनेंट, और जो जे यस कैप के सर, साथ ही हो गया वाई कंपोनेंट। इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू 3 और ए वाई इक्वल टू 4 है ना फोर, बेटा। तो वेक्टर के यस सर, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कल, एक्स स्क्वायर ए प्लस ए वाई प्लस स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट थ्री थ्री स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस फोर स्क्वायर वाला जी इक्वल फाइव टू स्क्वायर 5 बोलो बेटा यस सर है ना। अब एंगल निकालने का आ गया था। देखो बेटा टेन थी एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला जरूर है बच्चा, एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला टैन थीटा इक्वल टू क्या बताया था, टैन थीटा इक्वल टू ए वाई ए वाई वाई जरूर अपॉन एक्स है बेटा ये है ना। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग हमेशा बेटा इस चीज को डायग्राम से करो ताकि तुमको फीलिंग आए कि एंगल कैसा है। ठीक है बच्चा, डायग्राम कैसे देखो यस बच्चा, तो कहना देखो ऐसे ना होता है बेटा हमारा एक्स वाई एक्सिस, बोलो बच्चा ऐसे एक्स ऐसे वाई है ना बच्चा। अब देखो ये वेक्टर यस कैसा है, वेक्टर है 3i कैप, मतलब i कैप के एक्स डायरेक्शन में 3, तो i थ्री कैप के यूनिट डायरेक्शन फोर में हो गया 3 तो थ्री यूनिट बेटा ठीक है। और j कैप के यस डायरेक्शन में, j कैप में फोर कितना यूनिट है 4, तो फोर j कैप यूनिट में है बेटा 4, ऐसे ना हो गया 4 बोलो, ये हो गया 3i यस कैप और ये हो गया 4j कैप है ना बेटा। इसका मतलब हमारा जो वेक्टर है बच्चा वो ऐसा ना बन जाएगा बोलो वेक्टर, बोलो बेटा सर है कि नहीं। अब तुम खुद सोचो थ्री एक्स में कितना था बोलो, 3 था बेटा है ना, और वाई में कितना था 4। फोर अगर ये वाला हमें एंगल कहा जाए एंगल विथ एक्स, एंगल विथ एक्स तो क्या कर दोगे, टैन थीटा इक्वल टू 4/3, तो एंगल हो गया 37 डिग्री, सॉरी 53, बोलो बेटा 4/3 सर एंगल मतलब 53, ये दिख रहा ना थीटा इक्वल टू 53। अब तुम खुद सोचो ये एंगल अगर 53 है बेटा तो ये वाला एंगल क्या होगा विथ वाई, क्या होगा थर्टी बोलो सेवन एंगल विथ थर्टी सेवन वाई, एंगल होगा बेटा 37 ठीक है ना। अब ऐसे ही आओ सेकंड वाले में, सेकंड है बेटा -3i कैप + 3√3j कैप। तो देखो बेटा मैं कहूंगा बी वाले पार्ट के लिए कि हमारा बी वेक्टर है -3i कैप + 3√3j कैप। रुक बेटा इंक खत्म हो रहा है तो इंक भर लेता हूँ इसमें। देखो बच्चों तो इस वेक्टर में जो ए हमारा कंपोनेंट है बच्चा, बी का जो एक्स कंपोनेंट है कितना है वो 3, और बी का वाई कंपोनेंट हो गया बेटा 3।
थ्री रूट थ्री, ठीक है। अब कहेंगे अगर मुझे बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर हो गया बेटा 9 और थ्री रूट थ्री का स्क्वायर हो गया 27। बोला बच्चा दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट निकल गया मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या पता था मैंने, एक्स एक्स डायरेक्शन से हो जाएगा 760 डिग्री बनाएंगे एक्सिस। देखो अब देखो बेटा माइनस थ्री आई कैप, एक्स में कितना है बोलो 3 और डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स ना बेटा, तो नेगेटिव एक्स में हो गया 3, तो नेगेटिव एक्स में 3 ऐसे ना होगा बेटा बोल, यस सर। और इसमें क्या जोड़ना है तो प्लस थ्री रूट थ्री, प्लस थ्री रूट थ्री जे कैप जोड़ दो इसमें, थ्री रूट थ्री ऐड करो, ऐसे हो जाएगा बेटा थ्री रूट थ्री बोलो। तो अब सोचो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल के नियम के अनुसार ऐसे होना चाहिए, यस सर, बी वेक्टर, ठीक है बेटा। तो अब देखो बी वाले का अगर हमें कहा गया पॉजिटिव एक्स एंगल है ना, तो पहले वो मत सोचो, तुम पहले ये सोचो ये एंगल क्या कहोगे, कहोगे टैन थीटा इक्वल टू थ्री रूट थ्री बाई थ्री, थ्री रूट थ्री बाई थ्री ये हो गया रूट थ्री, इसका मतलब एंगल कितना निकल गया मेरा 60 डिग्री, ये एंगल 60। अब सोचना एंगल विथ एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स बेटा, तो पॉजिटिव एक्स से बताओ अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना एंगल होगा बेटा 120 ना बेटा, है ना। और अगर कहा जाए विथ वाई, वाई से मतलब ये एंगल ना बच्चा 30 डिग्री, वाई से कितना एंगल हो गया 30, 30 डिग्री, सब लोग की बात समझ गए, यस सर समझ गए। हाँ तो अब तीसरा तुम खुद से बनाओ और ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बनाया है एकदम सेम तरीके से बनाओगे, सेम मेथड फॉलो करेंगे एकदम, इसका बनाओ मिरर इमेज। जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली सेम तरीके से, अच्छी सही है।
हमारा आंसर गया सर, तुम्हारा भी आंसर गया है, देख लिया मैंने। सही है। ठीक है आंसर। सर बोलो। चौधरी सर का 40 मिनट का ही अलाउड रहता है लेक्चर। तो नहीं आगे तो बोल, तो बोलता ही नहीं, तो क्या सर, आगे तो बता। नहीं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कैसे सर, 40 मिनट का वो वाला है। यस सर, वो सर को पता होगा बेटा, इसलिए मेरा ये है पेड़ वज, मेरा पेड़ वाला है ना, इसलिए खरीदना ओ पड़ता ना बेटा लाइसेंस इसका। ओ सर, जूम कह रहे थे कि जूम ऐप हमको 40 मिनट का ही अलाउड दिया। हाँ तो अभी वो परचेज नहीं किए होंगे इसलिए। ठीक सबके मन से देख रहा हूं मैं, कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि जो आंसर लिखे हो वो आंसर इम्पोर्टेंट तो है ही, वो आंसर तो इम्पोर्टेंट है ही बेटा, लेकिन लेकिन आंसर से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम्हारा डायग्राम कैसे बनाया हो, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। डायग्राम बना लिया है सर, वही तो मैं देख, हम देख तो पाएंगे ना बेटा, हम तो देख नहीं पाएंगे इसलिए हम नेगेटिव बनाएंगे, एक्स में तो हम माइनस टू बनाएंगे तो मैच करना आंसर। और ऊपर में 2 रूट थी। टाइम दे रहे हैं तुम लोग को अभी, चलो बनाते हैं हम। यस सर। देखो बच्चा, सी वेक्टर था बेटा हमारा, अब तीसरे वाले में सी था बेटा, सी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 2/√3 जे कैप। तो देखो बेटा, सी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है, 2 ना बेटा, और सी का जो वाई कंपोनेंट है ये बेटा √3। तो देखो सी का मैग्नीट्यूड ये हो गया हमारा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर है ना बेटा। ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बेटा, देख दो स्क्वायर रूट ये हो गया 4 प्लस 4/3, ये बाहर निकल गया 4/√3। बोलो बच्चा, ठीक है ना। अब देखो यस सर, इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए जैसे मैंने बेटा एक्स वाई बनाया था एक्सिस, जैसे बनाया था मैंने एक्स वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई। देखो बेटा अब 2 है बेटा आई कैप में, तो 2 हो गया बेटा आई कैप में। ठीक है, अब देखो
ये है बेटा 2/√3, ये हमारा है 2/√3, 2/√3 माइनस जे के एफ में, इसका मतलब ये ऐसे नीचे ना हो जाएगा बेटा, इधर हो यस सर, जाएगा 2/√3, है ना यस बेटा, राशि देख रहे हो। यस सर, तो वेक्टर कैसे बन जाएगा बेटा, ऐसे बन जाएगा वेक्टर सी, बोलो बन जाएगा ना। तो अब देख बेटा वेक्टर से बन गया, सबसे पहला काम करना क्या हम लोग को है, ये एंगल निकालना है। लिख दिया मैंने tan थीटा इक्वल टू 2/√3 परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना बेटा, 1/√3, तो एंगल क्या है 30 थर्टी डिग्री। डिग्री इसका मतलब अगर मुझे कहना है बेटा एंगल एक्स के साथ, कितना एंगल हो गया बोलो, 30 ओनली बेटा, लेकिन वाई के साथ कहना है तो ये एंगल होगा बेटा 120 हो जाएगा ना एंगल। 120। अगर सब लोग ऐसे ही बनाए हो बिल्कुल सेम तो सबका सही फिर है, और अगर नहीं बनाए हो ऐसे तो ऐसे बना बनाया करो बेटा, सर मैं फिगर डिटो को भी यही बना। बिल्कुल सही फिर है, फिगर से हमको मतलब है, डिट्टो यही बनना है एकदम सेम। अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द वेक्टर्स इन आई कैप एंड जे कैप, समझे मतलब इसका, आई कैप जे कैप में करना है बेटा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या तुमको दिया मैंने, ऐसा चीज तुमको दे दिया मैंने और सही मायने में कहा कि डायग्राम बनाओ, है ना। अब उल्टा, अब तुमको हम डायग्राम देंगे और तुमको इस तरह से वेक्टर निकालना होगा, ठीक है। डायग्राम में दे रहा हूं बेटा, इस डायग्राम में दाई तरफ एक्स एक्सिस है बेटा, बाई ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, नहीं दिख रहा क्या, एक यस सेकेंड, सर, दिख रहा है। नहीं दिख रहा होता, चमक रहा था एक तरफ से। हाँ अरे चमकना कब बंद होगा यार। अब छोटा दाईं तरफ बेटा एक्स, ऊपर की तरफ वाई, तो देखो बेटा एक वेक्टर दिया मैंने ऐसा, इसको बोला मैंने ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ये है 2, और दूसरा वेक्टर देख बेटा, दूसरा वेक्टर हमारा है ऐसे, ये बेटा बी, ये हमारा है मैग्नीट्यूड 3 का, ठीक है बच्चा। तीसरा हमारा वेक्टर देखो ऐसा, ऐसे बेटा वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, इसका नाम है सी वेक्टर, और ये एंगल है बेटा 37 डिग्री, ठीक है। चौथा हमारा वेक्टर है बेटा ऐसा, ऐसे वेक्टर हमारा है, ये है मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, डी वेक्टर, और ये एंगल है बेटा 60 डिग्री। चलो करो, सबको आई कैप जी कैप में लिखो। Amazon Prime Music for no app. एंगल निकालना नहीं है बेटा, डायग्राम में आना है, सॉरी आई कैप जे कैप में करना है इसको।
सर आंसर बोले लिखा नहीं रहा है कमेंट में, सर कमेंट में आंसर नहीं लिखा रहा है। मैं आंसर मैच करना फिर लिखा ही रहा है मतलब ओके आईजे लिखा लिख दो, मैं क्या जरूरत नहीं तुमको, खाली आई और जे लिख दो। जैसे मान लिखना है तुमको 2i+3j, कैप मत लिखो ठीक है। ओके सर आंसर सेंड कर दिया, देख भी मिल गया मैंने। प्राची ए सही बी सही, सी तुम्हारा गलत गलत है बेटा, प्राची का सी गलत और प्राची का और डी तुम्हारा सही है, प्राची सी गलत है। अभिषेक का बी सही है, बी गलत है बेटा, अभिषेक चेक करो। अनुराग तुम्हारा ए गलत है बेटा, गौरव किसका आंसर लिखा है, गौरव ये ए का है सर, चेक के बेटा सही से क्या पढ़े वो। आनंद -2i क्यों लिखे हो क्या, आनंद माइनस माइनस है कि वही नहीं है यहाँ पे, खाली ऐसे ही लिखो तो ठीक है। ठीक है फिर ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अभिषेक का फर्स्ट सही है, अक्षिता चेक कर बेटा, अक्षिता गलत तेरा है। आनंद आनंद गलत है बेटा, अभिषेक भी गलत है, अक्षिता भी गलत, प्लस माइनस चेक करो। देखो बेटा देखो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ए वेक्टर के बारे में, तो देखो ना बेटा ए वेक्टर हमारा जो है ये पूरा पूरा डायरेक्शन देखो, ये है ना बेटा पॉजिटिव एक्स में, डायरेक्शन है बेटा ना पॉजिटिव एक्स में, और मैग्नीट्यूड 2 है ना बेटा, तो दो मैग्नीट्यूड आई कैप के डायरेक्शन में, इसका मतलब ए वेक्टर इक्वल टू
टू आई कैप, खत्म। ठीक है, अब कहते हो बी वेक्टर, बी वेक्टर के बारे में बेटा देख, बी देखो कितना मैग्नीट्यूड, 3। डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ, मतलब वाई एक्सिस का उल्टा हो गया बेटा। इसका मतलब क्या है, ये 3 है और माइनस जे कैप में है ना बेटा। तो क्या सीखने को मिला, ऐसा कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसमें वाई कंपोनेंट 0 होता है, इसमें वाई वाला कंपोनेंट है ही नहीं, है ना बच्चा। ऐसा कोई वेक्टर जो सिर्फ वाई एक्सिस में हो, वाई के पैरेलल हो, उसका एक्स कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है बच्चा, अब बचा सी और डी, है ना बेटा। तो याद कर, सी के लिए मैंने क्या कहा था बेटा, कि जब भी कोई वेक्टर ऐसा आड़ा तिरछा हो, है ना बेटा, तो पहला काम क्या करना होता है, उसको एक बॉक्स से बंद करना होता है। तो इसको बेटा एक बॉक्स से बंद करो, तो इसको अगर तुम बॉक्स से बंद करोगे तो ऐसे बनेगा बेटा बॉक्स में, बोलो है कि नहीं। फिर मैंने कहा था कि जो इसका टेल हो, इस टेल से 2 वेक्टर ड्रॉ कर देना, ऐसे और ऐसे, है ना बेटा। ठीक है, जो एंगल टच करता है बेटा, जो एंगल टच करता है वो कॉस थीटा होता है। इसका मतलब अगर 10 है तो ये हो जाएगा बेटा 10 कॉस थीटा, है ना, और जो टच नहीं किया ये हो गया 10 साइन थीटा। ठीक है, पिछले क्लास में बताया था मैंने ये। ठीक है बच्चा, अब देखो तो क्या बन गया, 10 कॉस 30 साइन, 10 साइन 37, किधर है वो, एक्स के पैरेलल है बेटा। ये हो गया 10 साइन 37 आई कैप, फिर प्लस, अब देखो ये वाला किधर है बेटा, ये है 10 cos 37 लेकिन किधर, ऊपर में पॉजिटिव y, तो क्या हो गया बेटा 10 cos 37 j, ये हो गया बेटा 6 i कैप प्लस 8 j कैप। ठीक है बच्चा, है ना। अब चलो d में चले, अब d वेक्टर की बात करें, d भी तो क्यों बेटा आड़ा तिरछा वेक्टर है ना। तिरछे वेक्टर में क्या करना होता है, फिर से इसको बॉक्स से बंद करना पड़ेगा, फिर से इसको बॉक्स में बंद कर दिया, है ना बेटा। अब जो इसका टेल है बेटा, उसके टेल से 2 वेक्टर बनाएंगे, कैसे, तो देखो एक बनेगा ऐसे, कॉमन टेल, टेल कॉमन होना चाहिए, एक ऐसे, 2 बना वेक्टर बेटा। ठीक है, फिर कहा था मैंने जहां एंगल टच करता है बेटा वो कॉस कंपोनेंट होता है, इसका मतलब ये हो गया 6 कॉस 60, और जहां टच नहीं किया ये हो गया 6 साइन 60। ठीक है बच्चा, तो क्या बन गया देखो हमारा बेटा, 6 sin 60 किस तरफ, तो x का अपोजिट, इसका मतलब बेटा माइनस आई कैप, फिर प्लस, देखो बेटा 6 cos 60 है ना बेटा, 6 cos 60 किधर है बेटा, y एक्सिस का उल्टा है, इसका मतलब ये हो गया बेटा हमारा माइनस जे कैप। तो ये क्या हो गया देखो, ये हो गया माइनस 3√3 आई कैप, फिर माइनस 3 जे कैप। ठीक है बच्चा, लिख लो, और किसी को डाउट बेटा पूछो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको एकदम अच्छे से सीखना है कॉन्फिडेंस के साथ। बेटा सबको क्लियर है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई दिक्कत है बच्चा? नो सर। अक्षिता, अभिषेक? नो सर। नो सर।
अनुराग हो यस सुन में अच्छे से? ठीक, सर एक और दे रहा हूं मैं, अब वो गलती नहीं होना चाहिए बेटा किसी बच्चे का। एक और दे रहा हूं बेटा, वो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और दे रहा हूं। अब ऐसा दे रहा हूं, ये बेटा ई वेक्टर, ये है 12 यूनिट का। ठीक है बेटा, ये हमारा है 12 यूनिट का। ठीक, और ये जो एंगल है बेटा, ये मैंने दिया 30 डिग्री। चलो करो, तो अभी सबका सही होना चाहिए। एकदम मेरे को रिप्लिकेट करो, ट्रू कॉपी जैसे मैंने बनाया एकदम वैसे बनाना है। मेथड सही गलत से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है बेटा। सर आंसर गया। बोल बेटा, बोला क्या? आंसर आंसर भेज दिए सर। भेज दिया। अच्छा हाँ, अभी देखा मैंने, गौरव का आंसर आया है। गौरव का सही आंसर है और अक्षिता का आंसर थोड़ा सा गलत है। प्राची का आंसर सही है। अक्षिता का थोड़ा सा गलती ढूंढो बेटा। सर दोबारा भेजें एक बार देखिए। हाँ भेजो, दोबारा भी देख लिया मैंने, दोबारा भी देख लिया मैंने। छोटी सी गलती है, छोटी सी गलती है एकदम। ढूंढो, पहला वाला गलत था, पहला वाला पूरा गलत था, लेकिन दूसरा वाला में छोटी सी गलती है, एकदम छोटी सी गलती है। सर पहला बार हमको सवाल है समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आया ना? यस सर। विशाल गलत बेटा, चेक करो। ओह शिट। अनुराग भी गलत बेटा। एक्स वाई उल्टा हो गया तुम्हारा, एक बार चेक करो अनुराग। अभिषेक सिन्हा, छोटी सी गलती, एकदम छोटी सी गलती। नहीं रे अभिषेक, हाँ छोटी सी गलती है। ठीक है चेक करो, नहीं ज्यादा गलत क्या लग रहा है रे। अक्षिता पहले कम गलत था, अक्षिता अब तो ज्यादा गलत हो गया। आनंद सही है? नहीं आनंद, चेक करो एक बार, प्लस माइनस दोनों में चेक करो।
वेक्टर किस जगह पे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वेक्टर किस डायरेक्शन में है ये इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन ऑफ वेक्टर समय कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर के डायरेक्शन से फर्क पड़ता है बच्चा। चलो देखो, देखो बेटा सबसे पहला काम क्या कहा था मैंने कि इसको एक बक्से में बंद करना होता है, एक बॉक्स से बंद कर दिया, अब इसका टेल को पकड़ा है ना बेटा, और इसके टेल से दो वेक्टर बनाना होता है ना, तो ऐसे बना एक वेक्टर और एक ऐसे बना वेक्टर है ना बेटा, जहां एंगल टच करता है उसे हम लोग कॉस लिखते हैं 12 cos 30, जहां टच नहीं करता है बच्चा वहां हम लोग साइन लिखते हैं है ना। अब वेक्टर को लिखे बच्चा हम, तो देखो बेटा वेक्टर के लिए ई वेक्टर इक्वल टू, ई वेक्टर हमारा क्या है इस डायरेक्शन में है बेटा, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो 12 cos 30 ये हो गया बेटा आई कैप, ये देखो नीचे की तरफ माइनस आई कैप ना बेटा, तो प्लस 12 sin 30 माइनस जे कैप, इसका मतलब ये हो गया 6√3 आई कैप माइनस 6 जे कैप। ठीक है बच्चा, अक्षिता का लास्ट में सही था आंसर, नहीं फिर माइनस लगाई थी लास्ट में, तुम दोनों में माइनस कर दी, अनंत भी दोनों में कर दिया था माइनस, विशाल का सही था। लिख लो बच्चा, इरेज कर रहा हूं बच्चों। यस सर। तो देखो बेटा अभी देखा था हम लोगों ने वेक्टर इन ए प्लेन, वेक्टर इन ए प्लेन है ना बेटा, अब देखें वेक्टर इन ए स्पेस, वेक्टर इन स्पेस। ठीक है बेटा, वेक्टर इन स्पेस का मतलब क्या होगा, तो कहना 3D वेक्टर, 3D वेक्टर मतलब इसमें x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो देख बेटा यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने ये कहा कि एक क्यूब सोचेंगे हम लोग, क्यूब क्यूब या कहो क्यूबॉइड, हमने सोचा बेटा एक क्यूबॉइड है ना, हम जानते हैं ना क्यूबॉइड के जो तीन साइड होते हैं बेटा ये तीनों होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर, एक क्यूब के बेटा तीनों साइड होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो पहले मैंने एक क्यूब सोच लिया बेटा। ठीक है, और अब कहा कि देखो बेटा ये जो पॉइंट है ये मेरा ओरिजिन है ना, ये जो हमारा डायरेक्शन है ये है एक्स डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन हमारा है बेटा ये हमारा है वाई डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है बेटा ये है जेड। ठीक है, तो देख बेटा एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है बच्चा, एक्चुअल में ये ऐसा है, मेरा अंगूठा दिख रहा है ना बोर्ड से परपेंडिकुलर, ऐसा है बेटा ये। ठीक है, अब सोचो इस डायग्राम में एक वेक्टर रखा है बच्चा, वेक्टर कैसे रखा है, तो ओरिजिन से इस वाले वर्टेक्स की ओर है ना, ओरिजिन से इस वाले वर्टेक्स की ओर। ठीक है बच्चा, डायग्राम में देखा ध्यान से देखो बेटा ये क्या है, डायरेक्टली अपोजिट डायगोनल, ये क्या है बच्चा डायरेक्टली अपोजिट डायगोनल है ना बेटा, अपने कमरे को देखो और कमरे को देख करके एनालाइज करो बेटा कि सबसे लंबी लाइन कौन सी हो सकती है तुम्हारे कमरे में, जो सबसे लंबी लाइन है डायगोनल है ना बच्चा, वही हमारा ये वेक्टर है। ठीक है, अब मन में सोचो ये इसमें इन स्पेस में 3D में डायग्राम में दिखाऊंगा बात सही है बेटा, लेकिन डायग्राम में चीजें उतनी बढ़िया नहीं समझ पाओगे जितना तुम इमेजिन करके सोच सकते हो। मन में सोचो, मन में सोचो तुम्हारे कमरे की सबसे लंबी लाइन ये वेक्टर हो गया बेटा। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें देखो ये एंगल को मैंने कहा अल्फा, ये एंगल मैंने क्या कहा अल्फा, ये कहां से एंगल है, एंगल विथ
एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स है ना बेटा। फिर मैंने कहा इसे कहा बीटा, ये एंगल विथ वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। और ये जो एंगल कहा मैंने वो क्या कहा, एंगल विथ जेड एक्सिस। अल्फा एंगल कहां से, एक्स से, बीटा एंगल वाई से, और गामा एंगल जेड से, जेड से, ठीक है बेटा। और ए वेक्टर का नाम ए वेक्टर, ठीक है। अब चलो सोच के बताओ बच्चा, डायग्राम में दिखाया वो तो ठीक है, लेकिन डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तेरा इमेजिनेशन है ना। मन में इमेजिन कर, कमरे का एक कोना, उस कोने से स्ट्रेट बीचों बीच जाता हुआ एक और वेक्टर, कोने से कोने डायगोनल, डायगोनल का वेक्टर सोचो बेटा, उस डायगोनल का नीचे के एक किनारे से एंगल अल्फा है, दूसरे किनारे से एंगल बीटा है, और तीसरे किनारे से एंगल गामा है ना बच्चा। तो सोच के बताओ, अल्फा बीटा गामा में से कौन सा एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा है, और कौन सा है जो 90 छोटा है। गामा सर जी 90 से बड़ा है, गामा एंगल, गामा एंगल 90 से बड़ा है। और बोलना है किसी को, और किसी को बोलना है, और अल्फा बीटा 90 डिग्री से छोटा है, अल्फा बीटा 90 से छोटा है, ठीक, और गामा 90 से बड़ा है, ये लगता है सबको। क्या किसी और को बोलना है कुछ, प्राची, अक्षिता, आनंद, अभिषेक, गौरव, गौरव तो बोल दिया, अनुराग, चलो कोई बात नहीं, अरे गामा रे 90 होगा शायद। चलो देखो ध्यान से तो बेटा, मेरा फिंगर का देख पा रहे हो अरेंजमेंट, यस सर, एक्स वाई जेड, यस सर, ये एक्स वाई जेड है, ठीक। अब देखो वेक्टर, वेक्टर मैंने ये रखा, वेक्टर मैंने ऐसे रखा बेटा, है ना, ठीक है। तो अब बताओ किससे एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है अब, जज नहीं कर पा रहे, गामा है सर, जज नहीं कर पा रहे तुम, गामा, और उपाय करता हूँ कुछ, ये चीज विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो फिर तुमको 3D में हमेशा दिक्कत रह जाएगा। चलो कैसे दिखाऊं कोई चीज तुमको, आइडिया आया, सर गामा नहीं होगा, गामा तो उस परपेंडिकुलर से ऊपर है, गामा 90 से बड़ा नहीं होगा। सबको दिखा रहा हूँ ठीक है, चलो कैमरे को मूव कर रहा हूँ, अब तुम्हें एक कोना दिखा, यस सर, दिख रहा है कॉर्नर यहाँ, यस सर, इस कॉर्नर में देखो, इस कॉर्नर में ये लाइन दिख रही है, यस सर, ये लाइन दिख रही है, यस सर, और ये लाइन दिख रही है, यस सर, ये तीनों एंगल, तीनों लाइन देखो, सभी लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है बच्चा, यस सर। अब सोचो मैंने रखा ऐसे वेक्टर, अब मैं रखा ऐसे वेक्टर, दिखा दिखा वेक्टर, यस सर। अब बताओ क्या ये वेक्टर किसी भी एंगल से 90 डिग्री है, किसी से भी नहीं सर, क्या दिख रहा है अब, ये एंगल देखो बेटा, यहाँ से देखोगे एंगल तो भी क्या दिख रहा है, यहाँ से ये एंगल अल्फा है, यस सर, ये एंगल बीटा है इधर वाला, यस yes. और ये एंगल yes, गामा है, क्या दिख रहा है अब, कि सारा एंगल 90 छोटा ही है बेटा, यस सर, ये भी देखो एंगल 90 छोटा, ये भी देखो एंगल 90 छोटा, और ये भी देखो एंगल 90 छोटा, देख पाया सब लोग, यस सर,
यस सर। सबके बात क्लियर हुई बच्चा कि इसमें कोई भी एंगल yes, से बड़ा नहीं है, सारा का सारा एंगल क्या है 90 से छोटा है बच्चा, हर एंगल 90 से कम है। ठीक है बच्चा, कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है, सारा एंगल 90 से छोटा है बेटा, है ना। जो वेक्टर में तुमको ऐसे दिखाया है वो ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये कैसा है उठा हुआ है, इससे बाहर के उठा हुआ है, ऐसे वेक्टर है। ठीक है बच्चा, समझे ना, वेक्टर ऐसा है और यहां से एंगल ये वाला अल्फा है और ये एंगल बीटा है ना बेटा, और जेड जो बाहर से लाइन जा रही है उससे एंगल गामा है। ठीक है ना, तो देखो अल्फा बीटा गामा 90 से बड़ा हो सकता है, बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन मेरे डायग्राम में नहीं है बेटा, है ना। मेरे डायग्राम में अल्फा बीटा गामा सब छोटा है ना। इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में अल्फा बीटा गामा ये सारे एंगल क्या है 90 से छोटे हैं, सभी एक्यूट एंगल है। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है ना बेटा, कैसा लाइन, देखो ये जो फेस है ना फेस, इस फेस का डायगोनल है ना बेटा, तो कोई देख के बताओ ये एंगल 90 है कि नहीं, ये वाला एंगल 90 है या नहीं है। यस नो सर, नहीं है, ये एंगल 90 है या नहीं है। यस सर, बोलो। यस सर, नहीं है बेटा, एक्चुअली में यही एंगल 90 है, समझे। मैं तेरे पर दिखाया ना बेटा कि डायग्राम जो है ये एक्चुअल नहीं है, क्योंकि डायग्राम वास्तव में क्या है, ये थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल चीज बेटा बोर्ड पे दिखाया नहीं आ सकता, वो तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना। ठीक है, अब तुम मन में सोचो ये लाइन लाइन कैसा है। तो देखो बेटा, जैसे मान लो तुम जहां पे खड़े हो किसी कमरे के नीचे बेस में कितने होते हैं कॉर्नर, बेस में कितने कॉर्नर, फोर कॉर्नर। अब तुम सोचो कि तुम बेस के किसी एक कोने पे खड़े हो, जैसे बोलता जा रहा हूं है ना, वैसे सोचते जाओ, इसको इमेजिन करो, कदा बढ़िया समझोगे। मैंने कहा तुम अपने कमरे के जिस बेस पे खड़े हो बेटा, उसमें चार किनारे है ना, चार कॉर्नर, एक कॉर्नर पे तुम खड़े हो, वो ओरिजिन है। ठीक है बेटा, अब देखो उसी जमीन पे तुम्हारे ठीक सामने है कॉर्नर, ठीक सामने है कॉर्नर कौन सा हुआ, जमीन का लाइन जो स्क्वायर का डायगोनल हुआ बेटा, बोल, रेक्टेंगल का जो डायगोनल हुआ ये ना हुआ बेटा। यस सर। ठीक है, उस वाले कॉर्नर के ठीक ऊपर एक कॉर्नर पे देखो, दिखा। अब सोचो कि वो कॉर्नर और तुम जहां खड़े हो वो लंबा वेक्टर है, हवा में वेक्टर है वो। ठीक है बेटा, अब उस वेक्टर से ऊपर वाले कॉर्नर से उस सामने कॉर्नर से ऐसे में तिरछा लाइन जाते हुए इस तरफ के कोने पे आऊं तो ऐसा बनेगा लाइन। दिक्कत हो रहा है तुम लोग इमेजिन करने में, फिर दिखाता हूं एक चीज। एक और डायग्राम देखो, ये दिखा बेटा कॉपी के दो फेस, ये दोनों फेस है ना परपेंडिकुलर। यस सर। अब सुनो, यहां से लेकर के यस सर, ये वेक्टर है बच्चा। यस सर, ऐसे तिरछा मेरा वेक्टर है ऐसे, है ना। अब सोचो एक वेक्टर ऐसे आया है ना, और यहां से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, दिख रहा राइट एंगल ट्रायंगल। यस सर।
यस सर। ऐसे ऐसा है ना बेटा, इसमें 90 डिग्री के लिए आप है ना। यस सर। ऐसे ऐसे और ऐसे किस कोने पे आना बेटा, एंगल आना पहचाना। यस यस सर। हाँ तो ये एंगल है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। और यहां से लेकर के जो ये लंबी लाइन बनी है ना बेटा, ये इस वेक्टर का हो गया एक्स कंपोनेंट, ठीक है बच्चा। तो देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा, है ना, तो ये हमारा है एक्स कंपोनेंट बेस, और ये है बेटा हाइपोटेनस, ठीक है। तो क्या कहेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बाई ए, इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा। बोलो बच्चा, अरे यस समझे, क्लियर है बच्चा। यस सर। अब चलो देखो इसी वाले पॉइंट से अब मैं ये खींच रहा हूं डायगोनल, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने यहां कहा था कि 90 डिग्री एंगल है बेटा, उसी तरह से ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेटा हाइपोटेनस। यस सर। तो ये कॉस बीटा क्या लिखा जाएगा बोलो, कॉस बीटा क्या लगेगा, ए वाई बाई ए, इसका मतलब यस सर ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, ए कॉस, यस सर, है ना बच्चा। उसी तरह से यहां से ये सामने का दिख रहा है फेस, यस सर, ये सामने वाला फेस का यहां से ड्रॉ करूंगा बेटा लाइन, ये भी एक डायगोनल है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी यहाँ परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल है ना बच्चा। तो ये है कॉस गामा, कॉस गामा इक्वल टू ए जेड बाय ए, दैट इज इक्वल टू, दैट मींस ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा, ठीक है बच्चों। और इन तीनों को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इनका नाम क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है बेटा। ये है एक्स, ये वाला है बेटा ए वाई, ठीक है, और ये हमारा है ए जेड, समझे, ये हमारा है बेटा ए जेड, ठीक है। अब अगर कहोगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना बेटा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का डायगोनल बेटा, है ना। यस सर। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो एल हो गया एक्स, दूसरा हो गया ए वाई, और तीसरा हो गया ए जेड। बोलो बेटा, यस सर, ए वाई और ए जेड, ठीक है बच्चों, है ना। यस। तो अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं इस वाले को ध्यान से देखो बेटा, है ना, इस वाले को ध्यान से देखो, ऐसे बोल सकते हैं ना बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो, यस सर, यस सर, है ना बेटा। अब एक्स स्क्वायर को यहां से पुट करो, तो कितना है एक्स बेटा, ए कॉस अल्फा ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। बोलो बेटा, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं सर, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ए स्क्वायर कॉमन आएगा और ए स्क्वायर कैंसिल, सब में कैंसिल, तो क्या बना, यस सर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। यस सर, ठीक है बेटा। ये जो फॉर्मूला बन गया, अभी जो फॉर्मूला बन गया, इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है बच्चा, इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, नोट कर लो।
अगर अभी भी दिक्कत है बेटा तो बताओ, और कोई समझाने का तरीका निकालता हूँ फिर मैं। डायग्राम को समझने में भी कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर। किसी को? नोट कर ले बच्चा। हो गया बच्चा? लास्ट में बचा है। कर लो। यस सर। देखना तो बच्चा, बोलो तो बेटा, इसको इसको अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो क्या लिखूंगा बोलो? ए एक्स आई कैप लिखेंगे बच्चा? यस सर। ए एक्स आई कैप। वैसे ही बताओ इसको क्या लिखोगे फिर? किस डायरेक्शन में देखो? ए जे के ए वाई सर ए जे के ए वाई जे के ए वाई जे के बिल्कुल सही। तो अब बताओ इसको क्या कहोगे? यस सर। क्या नाम? AZK cap। बिल्कुल सही बात। AZK cap। क्या तुमको इस डायग्राम में पॉलीगन लॉ दिखा? Yes, पॉलीगन लॉ, वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर। Yes sir। Yes sir। एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के। आई बात समझे बच्चा? लिख
लिख लो उसको भी, बाकी डॉक्टर के पास आई खाली इसको लिख लो बस। चलो बनाओ, बी में क्या लिखे सर? बी में लिखे हैं डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस। सी में है यूनिट वेक्टर। विशाल सही, आगे बढ़ो। का ही फर्स्ट सही, अक्षिता का ही फर्स्ट सही। अच्छी का ही फर्स्ट सही। अभिषेक सही, चक्र प्राची। डायरेक्शन को साइंस निकालना है, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है। ठीक है,
चेक करो, बी का वन यू नीड टू हेट कर बेटा डायरेक्शन को साइन फॉर्मूला, मतलब वो फॉर्मूला, लेकिन मैंने भी कहा डायरेक्शन को साइंस, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। सही है प्रति तुम्हारा? सर हम थर्ड निकाले हैं यूनिट वेक्टर। हाँ तो गलत है, बाय 12 क्यों किया, 12 कहाँ से आएगा? सर उसका मैग्नीट्यूड चेक करो, गलत निकाले, 12 नहीं होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 12 नहीं होगा, 5√2 होगा, 5√2 होगा। हाँ करो करो। तो सर तो हमारा पहला आंसर तो सही है। हम्म, पहला आंसर तो हमको सही है, हम बोले भी होंगे सही होगा तो नहीं बोले क्या? नहीं सर। सर आया कहाँ रे? गया है सर। राज अक्षिता प्राची अभिषेक गौरव ना आई नहीं, दूसरा उत्तर तो हमारा 5√2 भेजे हैं, फिर गया नहीं होगा। हो सकता है, तुम्हारा तो नहीं आया मेरे पास पाला वाले का। करो करो करो, बाकी सबको भेजो आंसर फिर। और आज 12/5/2 कैसे आया रे? गलत, 13/25 क्या है भाई? हाँ प्राची सही है तुम्हारा। हाँ आप सही होगा, करो करो, कैसे हो गया आप? देख बच्चा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए भाई, ए का एक्स कंपोनेंट हो गया 3, बी है, बी का वाई कंपोनेंट हो गया बच्चा 4, और बी का जेड कंपोनेंट हो गया 5। तो अगर हम बी का मैग्नीट्यूड निकाले, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 9 + 16 + 25, है ना? 9, 16 और 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 50, इसका मतलब हो गया 5√2। ठीक है बेटा, बी वाले पार्ट के लिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स कॉस अल्फा, ये होगा बेटा ए एक्स बाई ए, ए एक्स बाई ए कितना हुआ, सॉरी ए बी है ना, तो बी एक्स बाई बी, तो बी एक्स बाई बी कितना हुआ 3/5√2, है ना बेटा 3/5√2। ठीक है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई, ये हो गया बी वाई अपॉन बी, बी वाई अपॉन बी कितना बेटा 4/5, बिल्कुल सही बात। कॉस गामा हो गया बेटा बी जेड बाई बी, इसका मतलब 1/√2, 5/5√2, है ना बच्चा? ठीक है, अब कहा गया था यूनिट वेक्टर, तो किसी वेक्टर को बेटा यूनिट वेक्टर कैसे बनाते थे? उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे उस वेक्टर को। बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर बाई बी, है ना बेटा, बी वेक्टर बाई बी। तो बी वेक्टर हमारा कितना था, ये था 3i + 4j + 5k डिवाइडेड बाई डिवाइडेड 5√2, है ना बच्चा? तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस, सॉरी कॉस कहां से, इक्वल टू 3/5√2i cap + 4/5√2j cap + 5/5√2k cap, है ना बेटा? जरा गौर से देखो, क्या ये चीज सबको दिख रही है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, दिखा क्या? यस सर। अच्छे से देखो। यस सर, दिख रहा है। इसका मतलब अब एक कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे हम लोग, क्या जब भी हमको बोलेगा यूनिट वेक्टर तो कहना कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप,
यस सर यस सर चैट बॉक्स में आंसर डालने में बहुत प्रॉब्लम होता है चैट बॉक्स में आंसर डालने में प्रॉब्लम है यस सर क्या उपाय निकाला जाए व्हाट्सएप पे कैसा रहे तो उसमें भी तो चैट करना पड़ेगा सर क्यों फोटो खींच लेंगे सीधा सर डायरेक्ट आंसर बोल देंगे नहीं बनाकर सब सब सुन लेगा ना फिर तो सर तो साथ तो आप पर्सनल नहीं हो पाएगा ना फिर आवाज से लड़खड़ा गया चलो बच्चे आगे होमवर्क की बात कर लें सेक्शन ए कर लिया था हम लोगों ने है ना और सेक्शन बी में थोड़ा सा किया था सेक्शन ए तो हो गया था ना बेटा और सेक्शन बी में कुछ थोड़ा बहुत हुआ था आगे का दे रहा हूँ तो होमवर्क के लिए सेक्शन ए तो हो गया था हमारा अब करोगे सेक्शन बी लेकिन सेक्शन बी तुम पूरा नहीं कर पाओगे अभी सेक्शन बी तुम पूरा नहीं कर पाओगे जितना कर पाओगे उतना देता हूं होमवर्क चलो सेक्शन सी सेक्शन सी तुम कर सकते हो चलो एक्सरसाइज वन में सेक्शन सी कर लेना ठीक है पार्ट वन में सेक्शन सी एक्सरसाइज वन में सेक्शन सी पार्ट वन और पार्ट टू में देखता हूँ क्या कर सकते हो पार्ट टू में भी कर सकते हो सेक्शन सी पार्ट वन पार्ट टू दोनों में सेक्शन सी कर लेना ठीक है चलो अभी इतना ही दे रहा हूँ होमवर्क एक्सरसाइज वन पार्ट टू दोनों में सेक्शन सी कर लेना है बच्चा ठीक है चलो अभी मीटिंग ओवर बाय बच्चों बाय सर बाय सर बाय बाय सर बाय बच्चा